वेलकम टू माई चैनल और आज हम करने जा रहे हैं इवन और आड नंबर की वर्कशीट सबसे पहले इवन और आड नंबर का क्लियर कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए आप ये देख सकते हैं जो इवेंट नंबर होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं और जो ऑड नंबर होते हैं उनका पेयर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से आप इवन और ऑड नंबर की एक ऐसे वर्कशीट और एक लाइन बना सकते हैं जिसमें आप बच्चों को समझा सकते हैं कि जो ऑड नंबर है उनका पेयर नहीं बनता है और जो इवन नंबर है उनका पेयर बनता है तो इवेन नंबर जो होते हैं टू फोर सिक्स एट टेन ऑड नंबर रहते हैं थ्री फाइव नाइन सेवन वन और आप इस तरीके से भी बच्चों को बता सकते हैं कि जो अगर टू फोर सिक्स एट एंड ज़ीरो अगर हमारा वंस के प्लेस पर होता है तो दैट नंबर इज़ इवन और थ्री फाइव नाइन सेवन वन अगर हमारा वंस के प्लेस पे होता है तो दैट नंबर इज़ ऑट सो इस तरीके से आप बच्चों को एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं बच्चों को इस तरीके से एक ग्रेड बना कर दे सकते हैं और बच्चों को आप बोल सकते हैं कि उनको जो है इवेंट नंबर सर्कल करना है या ऑड नंबर सर्कल करना है यहाँ पर जो है इवेंट नंबर जो है इन्हें सर्कल करे हैं लाइक टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी आप देखेंगे इनके वंस के प्लेस पर जो है वो टू फोर सिक्स एट जो है वो आ रहा है तो इसी तरीके से आप इस तरीके से एक वर्कशीट बना के दे सकते हैं जो बच्चे इजीली जो है सर्कल करेंगे और उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है अब जो मेनली हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा क्या वो आंसर इवेन होगा क्या वो आंसर ऑड होगा तो लेट्स ट्राई लेट्स डू दिस सो अगर हम ऑड और ऑड को प्लस करते हैं तो आंसर वुड बी देखिए फाइव में अगर हम थ्री प्लस करते हैं तो फाइव प्लस थ्री इज एट तो आंसर वुड बी एट जो कि इवन है थ्री प्लस सेवन टेन नाइन प्लस वन टेन ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी थ्री फिफ्टी सिक्स जो कि इवन नंबर है ये भी इवन आ रहा है ये भी इवन आ रहा है ये भी इवन आ रहा है इलेवन प्लस इलेवन ट्वेंटी टू इवेन नंबर ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन इट्स लाइक फिफ्टी टू इवेट नंबर सिक्सटी सेवन प्लस थर्टी वन इट इज नाइंटी एट इवेंट नंबर फोर्टी वन ट्वेंटी थ्री इट इज सिक्सटी फोर इवेंट नंबर ट्वेंटी वन थ्री इट्स लाइक ट्वेंटी फोर इवेट नंबर सो नाउ इट इज क्लियर कि अगर हम दो और नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर वुड बी इवन नंबर अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम इवन और इवन को प्लस करते हैं तो क्या आएगा इवन और ऑड को प्लस करते हैं तो क्या आएगा सो लेट्स सी अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर देखते हैं 52 टू इवेंट नंबर है 12 इवन नंबर है तो आंसर वुड बी 64, फोर थर्टी टू थर्टी फोर आंसर वुड बी सिक्सटी सिक्स सिक्सटी एट फोर्टी टू सो आंसर वुड बी वन वन जीरो नाइन्टी फोर और सिक्स इट्स लाइक हंड्रेड तो आंसर वुड बी इवेन तो इवेंट प्लस इवेंट इक्वल टू इवेंट नाउ इवेंट प्लस ऑर्ड अगर हम एक इवेंट नंबर और एक ऑर्ड नंबर को एड करते हैं तो आंसर क्या आता है टू प्लस थ्री टू इवेंट नंबर है थ्री ऑर्ड नंबर है फाइव फोर्टीन इवेंट नंबर है नाइन फोर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन एटी टू प्लस इलेवन नाइंटी थ्री सिक्सटीन प्लस इलेवन ट्वेंटी सेवन तो आप देखेंगे इवन प्लस ऑड आंसर वुड बी ऑड तो ये आप जो है बच्चों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं अब हमारा कंसेप्ट आता है कि इवन इवन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा लेट्स सी इवन मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्स ट्वेंटी फोर फोर टू ज एट ट्वेल्व टू ज ट्वेंटी फोर सिक्स फोर ट्वेंटी फोर सो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इक्वल्स टू इवन Odd multiply with even is 3 2s are 6, 5 4s are 20, 7 2s are 14, 3 8s are 24. So you can see that odd multiply by even equals to even. Now comes to odd multiply by odd 3 3s are 9, 5 5s are 25. 7 ones is 7 so odd multiplied by odd equals to odd तो आप देखेंगे इस तरीके से जो है आप बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं कि अगर हम इवन मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो क्या आंसर आएगा ऑड मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो क्या आंसर आएगा तो दिस वे यू कैन गिव सम ब्रेन स्ट्रामिंग एक्टिविटीज टू द किड्स ऑल्सो तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और बच्चों के जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो